हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो जी 64 फ़ोन है, तो मोटो जी 64 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में फ़ोन की सेटिंग्स से आकर कैसे अपने फ़ोन में वाईफाई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और वाईफाई की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे और वाईफाई की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और वाईफाई की प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं और वाईफाई की प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और वाईफाई की प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन हो जाएंगे। तो आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। तो आपको इस पे जाना है, फिर आपको इस पे जाना है। इस पे जाकर देख सकते हैं, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही जो भी वाईफाई की प्रॉब्लम्स है, वाईफाई की प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही जब आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करके, तो इस पर क्लिक करके वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इस पर क्लिक करते ही नेटवर्क सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन की तो वाईफाई की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे, वाईफाई की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से वाईफाई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और वाईफाई की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।